हेलो गाइस, माय नेम इज राज, आई एम हियर। गाइस, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं क्यू एंड ए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ रोमांचक बनाए, मतलब कि मैंने अपने दोस्त को भी बुलाया है इस वीडियो में। मतलब कि समझ सकते हो, इस वाले वीडियो में काफ़ी भयानक वाली कॉमेडी होने वाली है। अब देखो यार, भयानक वाली नहीं, मतलब एक लिमिट में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए मुझसे, तो उन सभी क्वेश्चन के मुझे आंसर तो देने पड़ेंगे ना। मैं आंसर आप सभी को दूंगा, हर एक को दूंगा। तो चले गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को अपने दोस्त से मिलाना चाहूँगा। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने दोस्त टेक को। अरे थैंक्स। सो गाइस, ये मेरा दोस्त है, मतलब देखो इसका नाम टेक है। बहुत अल्टर सा नाम है मेरे को पता है, बट क्या ही करे, जब इसका नाम ही टेक है तो इसी के नाम से तो मैंने अपना चैनल का नाम बनाया दोस्तों, और इसे ही मैंने अपने चैनल पे कभी बुलाया ही नहीं। तो दोस्तों, आज मैं इसे लेके आया हूँ, ये भी कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे आप लोगों को, शायद आप लोगों को थोड़ी सी मजा आए दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि आपका वीडियो एस्टिमेट कितना साइज का होता है। देखो यार, मैं ना अपनी वीडियो का एस्टिमेट साइज मैं कैसे बताऊँ, मेरी वीडियो का एस्टिमेट साइज मेरी वीडियो की लेंथ पे डिपेंड होती है। जितनी बड़ी लेंथ होगी उतनी बड़ी साइज होगी, नॉर्मल सी बात है। अगर मेरी वीडियो का साइज अगर 5 से 6 मिनट का है, तो वीडियो की जो है साइज जो है कुछ वो मतलब यही कुछ 600 MB के आसपास में होगी। वही अगर मेरी वीडियो का साइज़ अगर मेरी वीडियो का लेंथ 10 मिनट से 11 मिनट है, तो उसकी जो है साइज़ वो 1 GB के आसपास होगी। वो शायद 1 GB से प्लस भी हो सकती है। बट अगर मैं वीडियो 5 या फिर 6 मिनट के अंदर बनाता हूँ, तो उसकी साइज़ 600 से 700 MB में ही रहेगी, कभी 1 GB नहीं टपेगी। क्योंकि भाई मेरी कैमरा क्वालिटी भी उतनी तगड़ी नहीं है कि मेरी जो है क्वालिटी 1 GB प्लस हो जाए। यूट्यूबर की तरफ से क्वेश्चन आया है, व्हाई यू चीटेड अदर्स। एक क्वेश्चन आया है यूट्यूबर की तरफ से, व्हाई यू चीटेड अदर्स। क्या तूने किसी को चीट किया है क्या बे? नहीं तो क्यों? अरे बोल रहा है चीट किया है तूने। नहीं, मैंने किसी को चीट वीट नहीं किया ब्रो। देखो, वो बोल रहा है चीट नहीं किया, इसका मतलब उसने सच्ची में चीट नहीं किया है, ठीक है? और अगर मुझसे पूछो कि क्या मैंने किसी को चीट किया है, तो एक ही बात बोलूंगा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। टेक वर्ल्ड विद आशीष की तरफ से क्वेश्चन आया है, आपकी पीसी में कितना रैम है? मुझे क्या मालूम, ये क्वेश्चन मेरा है, समझा? तो ये मेरा क्वेश्चन तो मैं बोलूंगा, ठीक है? तो देखो यार, मेरी जो पीसी में ना, वो उसमें 4 GB रैम है, ज्यादा कुछ रैम उसमें है नहीं, 4 GB रैम, मतलब काम चला हुआ है एक तरह से। आजकल के टाइम में तो यही काम चला होता है। तो यार देखो, मैं ना इसमें एडिटिंग जो है अच्छे से कर पाता हूँ, बहुत अच्छे से हो जाती है बाकी सारे काम। अगर 4 GB रैम की बात करें तो काफी अच्छी होती है, एक अच्छी वाली लाइक होती है, मतलब चलने लायक होती है, बस बात खत्म यहीं पे। अगला क्वेश्चन है नॉलेज की दुनिया की तरफ से, कि आप जो अपने वीडियो के बीच में फनी क्लिप्स डालते हो, और वो वीडियो कहां से लाते हो, और दूसरी बात कि उस वीडियो में आपको कॉपीराइट क्लेम पड़ता है या फिर नहीं पड़ता, फिर कॉपीराइट का कोई झंझट तो नहीं है? तो देखो ब्रो, मैं जो भी क्लिप्स उठा के डालता हूं उसमें मैं कॉपीराइट फ्री डालता हूं, क्योंकि पहली बात मेरे को पता है कॉपीराइट बहुत घटिया वाली चीज है, बहुत ही घटिया वाली चीज है। मैं बहुत ज्यादा इससे पक चुका हूं, इस कॉपीराइट के झंझट से, तो इसलिए मैं कॉपीराइट से बहुत ज्यादा दूर रहता हूं। तो मैं जो भी चीजें उठा के डालता हूं, वो सारी चीजें कॉपीराइट फ्री होती है, वो नॉन कॉपीराइट होती है। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, बहुत सारी जगह मिल सकते हैं, यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएंगे दोस्तों देखने के लिए। तो फिर आपको कॉपीराइट का कोई झंझट ही नहीं रहेगा, आप मस्त अपने काम कर सकते हो, कोई कॉपीराइट का कोई झोल नहीं। फिर से टेक वर्ल्ड विद आशीष की तरफ से है कि आपका फेवरेट वॉइस चैनल कौन सा है? तो देखो ब्रो, मेरा जो फेवरेट वॉइस चैनल है वो हमेशा से बीबी की वॉइस ही रहा है, क्योंकि हुलिया देख के पता लगा लो यार, हुलिया देख के पता लगा लो, बस यही बोलूंगा, और क्या ही बोलना चाहूंगा मैं आपको। अगला क्वेश्चन है गेमर की तरफ से, क्लोज योर चैनल अबे गाइस, यार मैं तो साइलेंट हूँ, बुझे ना, एकदम से साइलेंट रहो, बुझे, क्लोज योर चैनल। चैनल क्लोज करेंगे तो वीडियो कहाँ डालेंगे बे, तुम जल रहे हो साले हमसे, तुम्हारी फट रही है हमसे। एक क्वेश्चन है अभिषेक शर्मा फिल्म्स की तरफ से, कि भाई भाई भाई, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी एडिटर की जरूरत होगी तो मुझे जरूर से कॉन्टेक्ट करना। अरे यार, जरूर से तुम्हें कॉन्टेक्ट करेंगे यार, तुम चिंता ना करो यार, मुझे लगता है मेरे को फ्यूचर में जरूर से जरूरत पड़ेगी एक एडिटर की, तो मैं तुम्हें जरूर से याद करूंगा उस वक्त, और तुम मेरे साथ आ जाना ब्रो, बस साथ में मिलकर काम करें, टीम वर्क चलेगी हमारी, और क्या ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है टेक विद सत्यम की तरफ से, कि क्या आपने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को किस किया है, और किया है तो कहाँ और कब? वह कब का तो मालूम है, पर कहाँ का क्या मतलब होता है? अबे ये तो किसकी बात करिए जा रहा है, मैं किसी को किस किस किया हो क्या बे? अरे तुम्ही से बात कर रहे हैं, अबे चोमो तुम्ही से बात कर रहे हैं हम। अरे 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 देखो यार, मेरी जो GF है पहली बात, अरे यार तुमको क्या लेना देना ऐसा यार, ठीक है? अब मुँह चिली हो तो बताना तो पड़ेगा यार, गलत क्वेश्चन करते हो यार, बट यार तुम लोग तो देखो यार, अब मैंने तुम लोगों ने ये नहीं पूछा कि वर्चुअली या फिर फिजिकली, तो मैं देखो अगर फिजिकली की बात करें तो अभी तक
देखो यार, अभी तक एक ही बार हुआ है ऐसा, ठीक है, बस बात खत्म। और ऐसे अगर वर्चुअली बात करें तो हरदम ऑल टाइम हर एक मिनट, हर एक सेकंड, हर एक माइक्रो सेकंड पे होती रहती है। अभी तुम्हारे हैं नहीं इसे तुम्हें पता नहीं है, पर जब तुम्हारे बनेंगे ना बेटे, तब तुम्हें पता चलेगा क्या होता है इसे झेलना। कुछ भी उल्टा सीधा बोल दोगे तो तुम्हें पिटाई पड़ जाएगी बहुत गलत तरीके से। भाई यार टिंकू खाने पे तो सवाल आ रही है यार। अगला क्वेश्चन है टेक वर्ल्ड भी ताजिश करते कि आपके डैडी क्या काम करते हैं। देखो यार, मेरी डैडी ने रिसेंटली एक शॉप ओपन किया है, डेयरी, मतलब जो डेयरी का एकदम मस्त से दूध वूध बेचते, नई दुकान है, मतलब बोले तो मतलब एक सप्ते पहले भी, एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, 5-6 दिन हुए हैं अभी तक, तो बस बहुत अच्छा काम है यार, बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हम। मैं भी उन्हें बहुत अप्रिसिएट करता हूँ उस काम के लिए कि उन्होंने ये काम को चुना। पर कोई मकसद ही होगा ना काम करने का, तो ऐसा थोड़ी है कोई इंसान बिना किसी मकसद के कोई काम करता है, कोई मकसद होगा फिर ये काम कर रहे ना। तो मैं उन्हें बहुत ज्यादा ऐसे अप्रिशिएट करता हूँ, साथ में बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग यार दूध वाले। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम राज की तरफ से कि जीएफ कैसे बनाएं। अरे बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हो, बहुत अच्छा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है, मम इसको जरूर से आंसर करेंगे। एक अदरक लें, उसमें हल्दी मिलाएं, उसको भून लें और उसे एक डिब्बे में बंद करके जमीन के नीचे दफना दें, और जिसे भी आप दफनाएंगे उसमें कागज में उसका नाम लिख के उसमें डाल दें और उसे एक सप्ते के लिए छोड़ दें। देखें आपकी एक सप्ते बाद उस लड़की से बहुत अच्छी बात होगी, वो लड़की आपके प्यार में पागल हो जाएगी, आपके प्यार में गिर जाएगी, आपके चरणों में गिर जाएगी और आपको बोलेगी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आपको स्वीकार कर लेना है, उसी वक्त आपकी उसी वक्त सेटिंग हो जाएगी। ऐसा सोचते हो ना तो मार कान के चपटे देंगे, तुम्हारा हम गाल सुझा देंगे, तुम्हारा गाल हम लड़की पटाएंगे। अबे पढ़ो लिखो कुछ करो, IAS बनो यार, ये तुम कहां फंस रहे हो बेटे, लड़की पटाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है राजेश झा की तरफ से कि कुछ पागलपन करो वीडियो में। देखो भैया, पहली बात तो हम अपनी वीडियो में पागलपंती करते रहते हैं, बुझे। अगला क्वेश्चन है द मेगा पैराडाइज मिस्ट्रीज की तरफ से कि ब्रो कौन सा फोन यूज करते हो YouTube वीडियो के लिए। तो मैं यूज करता हूँ iPhone 13 Ultra Pro Legend Max Lite। अरे भाई मैं यूज करता हूँ Redmi 8A Dual Pro, जो कि जिसकी प्राइस 8,000 रुपया है, तो आप इसे खरीद सकते हो 8,000 रुपया में, बहुत सस्ते वाली प्राइस है भाई, हम गरीब इंसान है, गरीब ही रहने दो हमको, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है टेक्नो हुसैन के तरफ से कि भाई आपका मोबाइल नंबर मिलेगा। अरे भैया जब हम अपना मोबाइल नंबर तुमका दे देंगे तो क्या हमारा प्राइवेसी हमार रही, बताई जरा, हमका हमार प्राइवेसी तुहार बन जाए भाई, प्राइवेसी की इस तरह से ना ले, प्राइवेसी को रहने दो, और नंबर चाहिए ब्रो तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वहां देते हैं नंबर, का है यहाँ यूट्यूब पे आपको नंबर बताए, हम आपको अपना बताइए, इंस्टाग्राम पे DM करो हमको, हम आते हैं वहां पे, देते हैं नंबर आपको। तो भैया वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, हम तो यहीं रहेंगे, हम कहां जाने वाले, हम तो यहीं रहेंगे, बस अपने को यहीं रहना है और कहीं नहीं। भाई चैनल हमारे नाम पे खोल लिया, हम ही को नहीं बुलाता है वीडियो, बताइए कैसा बात करता है लौंडा, उसका स्टाइल में आपको अलविदा कहते हैं दोस्तों, ये लीजिए दोस्तों मार तमेचा, अरे दोस्तों दोस्तों अरे दोस्तों।